अंबाला शहर में सड़कों का बुरा हाल है, लेकिन प्रशासन गहरी नींद में है और लोग टूटी सड़कों की वजह से परेशान है। आए दिन लोग हादसे का शिकार हो रहे हैं। इतना ही नहीं, सड़कों में बड़े बड़े गड्ढों की वजह से लोगों के वाहनों को नुकसान हो रहा है और ट्रैफिक व्यवस्था भी प्रभावित हो रही है। इन सब हालातों के बावजूद प्रशासन कोई कदम नहीं उठा रहा। अंबाला शहर का मानव चौक मुख्य मार्ग पर है जो अंबाला हिसार रोड को जोड़ता है, लेकिन सड़क के इतने बुरे हाल हैं कि यहां से गुजरना किसी मुसीबत से कम नहीं लगता। इसी रोड पर आगे बढ़ो तो गांव की सड़कों का भी बुरा हाल है। गांव रूपा माजरा के पास पुली बनने का काम चल रहा है तो ट्रैफिक गांव की तरफ डाइवर्ट किया गया है, जिस वजह से कई गांव की सड़कें बुरी तरह टूट गई हैं। यहां से गुजरने वाले जितने परेशान हैं, उतना ही इलाके में रहने वाले लोग प्रशासन से खफा हैं, क्योंकि ये सड़क कब बनेगी या रिपेयर होगी, इसका किसी के पास कोई जवाब नहीं है। यही हाल शहर की सर्कुलर रोड का है, जहां से गुजरना खतरे से खाली नहीं है। शहर का रेलवे रोड भी इन्हीं हालातों से गुजर रहा है। वहीं पंजाब की तरफ जाने वाली अंबाला घन्नौर रोड का भी हाल ठीक ऐसा ही है, जिस वजह से लोग प्रशासन से मांग कर रहे हैं कि इन सड़कों को जल्द रिपेयर किया जाए ताकि लोग हादसों का शिकार ना हो। खड्डे की बहुत दिक्कत आ रही है, यहाँ बहुत एक्सीडेंट हो रहे हैं जी, और यहाँ हर रोज कोई ना कोई एक्सीडेंट हो रहा है। और इतने खड्डे यहाँ जी हमारा नाश मार दिया खड्डा ने, और इतनी ट्रैफिक ज्यादा चल रही है यहाँ जी बहुत ज्यादा, इसको जल्दी से जल्दी इसको बंद करो, नहीं हर रोज यहाँ कोई ना कोई एक्सीडेंट जरूर हो। हमने भज का ठाना पड़ा यहाँ से, भज का हमारी दुकान ने इधर आराम तो बहुत दुखी आ गई, जल्दी जल्दी बंद करो इस सड़क को यहाँ से। कामकाज पे भी असर पड़ गया? हाँ, कामकाज पे पूरा असर पड़ रहा है हमारा, कोई काम नहीं रहा, कोई कुछ नहीं रहा, हम तो इसी योग्य हो गए बस। ये सारा दिन खड्डे यहाँ से मूंदते रहा, कभी पानी छिड़को कभी, अरे इतनी मतलब जो इधर से गर्दा हुआ ना गर्दा मिट्टी मरी दुकाना अंट दी सारी ने, इसको जल्दी जल्दी बंद करो इसको। बहुत एरिया है जी आपके सामने देख लीजिए, हम तो देखो रहे हैं, दिक्कत हो रही तो लिखा भी नहीं जाता, मोटरसाइकिल लिखा का पर कार आ जाएगी, कभी कुछ आ जाएगा, फिर डह के मैं तुम्हें पता एक्सीडेंट भी हो सका, सारा काम बुरा हाल है जी। हाँ जी, हाँ चोटा भी लगी पिछा, एक एक्सीडेंट है, मैं उम्र हो गया तो हाँ जी, सड़क बननी चाहिए जी, ऊँ तो मंजूर हुई भी है सड़क, मैं कहूँ अगले महीने में शायद शुरू हो जा। हाँ जी, बुरा हाल है जी इसका तो, होना तो है नहीं जी कुछ। कितनी दिक्कत आ रही है? हमारे कहे से होना कुछ नहीं है जी, बहुत बुरा हाल है जी, देखो आप देख ही रहे हो रोड का हाल, कोई किसी ने सूती नहीं ली रोड की, रोड पे खड्डे क्या, ये तो सड़क में ही खड्डे हैं, खड्डे ही खड्डे हैं, रोड का मतलब ही नहीं है, सड़क का नाम ही नहीं है, ट्रैफिक इतनी हैवी है यहाँ तो देख लो आपके सामने है, एक सांस लेने की तो फुर्सत नहीं है, और कोई सुनने वाला है नहीं, हमने कितनी बार बोल दिया भी रोड ये ठीक करा दो ठीक बनवा दो, कोई सुनता ही नहीं, यहाँ जान का जान माल का बहुत खतरा है भाई, यहाँ तो कितने एक्सीडेंट हो लिए पता ही नहीं, रोड पर कितने बंदे यहाँ पे बेचारे रोड पे मर भी लिए लोग यहाँ, तो कोई सुनवाई नहीं, तो हम ये चाहते हैं ये रोड चौड़ा भी हो और नए सिरे से भी बने, प्रशासन से यही अपील है भाई, ये सुविधा को देखते हुए जरूरत को देखते हुए भी इस रोड को चौड़ा भी किया जाए और नए सिरे से ढंग से बनाया जाए भी, जिससे पब्लिक को कोई परेशानी ना हो, ये चाहते हैं यहाँ। दिक्कत खड्डे बड़े हैं जी, बड़ी औखी है, यहाँ से बहुत तंग हो रहे लोग, इतनी परेशानी हो रही है, सड़क छोटी है हर लोग सारे औखे हो रहे हैं, रात दिन 12 बजे तक सड़क चलाई है, 2-3 एक्सीडेंट हो गए, लोग सोचते नहीं किसी बात नहीं सोचते, बाकियाँ मिर्चियाँ चलन दे, सड़क सारी देख कितना टूट गई, बुरा हाल है, सारे लोग तंग हो गए बहुत ज़्यादा। देख लो कितने खड्डे पड़ रहे हैं,